तो ब्रेकअप का दर्द किसी को रांझा बना देता है तो किसी को आईएस बना देता है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो ब्रेकअप के दर्द में तपकर कुछ लोग आसमान की ऊंचाइयां छू लेते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग लांड के नीचे अटके हुए आड़ की तरह हमेशा लटके ही रहते हैं। तो बस यही दो तरह के लोग ब्रेकअप के बाद पाए जाते हैं। और अगर तुम बात कर रहे हो कबीर सिंह की, कबीर सिंह जैसी कोई वैकेंसी है ही नहीं। ब्रेकअप के बाद तुम दारू सुट्टा फूकने लगे हो तो ये तुम्हारा मन है या तुम्हारी इच्छाएं हैं, इसे कृपया ब्रेकअप का नाम न दें। तुम्हारे भाई का भी सीरियस रिलेशनशिप में दिल टूटा है, लेकिन आज तक हमने दारू तो छोड़ो कानपुर में होने के बावजूद भी गुटखा तक नहीं चबाया। और यहीं पर हमारा एक दोस्त है कृष्ण ने सिर्फ भाई क्या बोल दिया वो बीड़ी सुलगा के सुर्खी रगड़ने लगे। खैर ये किस क्षेत्र की बातें करने लगे हम, चलिए वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेकअप के कुछ खोदों की, लेकिन बड़ा कम ही दिखाया जाता है ब्रेकअप की कुछ खोदियों के बारे में। इसी में से एक ब्रेकअप की खोदी ब्रेकअप के दुख में इस कदर डूब जाती है कि दारू तो छोड़ो वो लस्सी पीने लगती है, वो भी अलग अलग लौंडों की, वो भी एक नहीं दो नहीं पांच नहीं दस नहीं न जाने कितने कितने लौंडों की, तो एक दिन में ही लस्सी निकाल देती है। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किसी से साथ कर दिए, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है बीजी और इसे डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पर मूवी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे व्लॉग वाले चैनल को भी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसमें तीन फ्रेंड्स थे, गैब्रियल, निकी और एलेक्स, दूसरी तरफ जॉर्ज और लेटेलिया। एक दिन जॉर्ज लेटेलिया से बाहर पार्टी करने के लिए प्लान करती है। लेटेलिया भी इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड थी तो वो घर जा करके अपने डैड से इस चीज की परमिशन मांगती है। अब जैसे हमारे पेरेंट्स समझाते हैं वैसे उसके भी पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि शाम को 7 बजे के पहले पहले घर वापस लौट आना। इस चीज के लिए लेटेलिया भी हाँ कर देती है। पर जब ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो पार्टी को एंजॉय करते करते कब रात के 2 बज गए इन्हें भी पता नहीं चलता। खैर इसी पार्टी में निकी और एलेक्स भी आए हुए थे, मतलब गैब्रियल के वही दोनों फ्रेंड्स। पार्टी में कहीं पर चुम्मा चाटी चल रही है तो कहीं पर पेलम पाली, इस वजह से इन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि इतनी देर हो गई है। पर जब लेटेलिया घर जाती है तो उसके पिताजी उसको दे देते हैं कंटाब है कंटाब। अगले दिन लेटेलिया जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तो एक बार फिर उसकी फ्रेंड उनसे कहती है कि चलो आज रात को फिर पार्टी करते हैं। अब लेटेलिया की तो पिछली रात ही सुताई हुई है और सूजन भी अभी तक मिटी नहीं है, इस वजह से वो उन्हें इस बात के लिए मना करती है। परंतु बेस्ट फ्रेंड तो वैसे भी खुड़पेच होते ही है, जब तक वो आपके चू तड़ों में उंगली ना कर दें तब तक वो मानेंगे कहाँ। तो जब वो लोग लेटेलिया के डंडा लेकर के घुस ही जाते हैं तो वो भी इस बात के लिए उन्हें हाँ कर देती है। आज की पार्टी उन्होंने एलेक्स के घर पर रखी है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ में नहीं रहते हैं, उनका डाइवोर्स हो चुका है, इस वजह से एलेक्स की मॉम बहुत कम ही घर पर रहती है तो एलेक्स अपने घर पर कुछ भी कर सकता है। खैर पार्टी चल रही थी और सभी लोग अपना मौज मार रहे थे कि इसी बीच एलेक्स अपना लैपटॉप लेकर आता है और www.pelum.com की वीडियोस प्ले कर देता है। खैर उन्होंने कुछ वीडियोस ही देखी थी कि इतने में ही जॉर्ज को प्यास लग जाती है तो वो उनसे बोलती है कि मुझे प्यास लगी है और ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। पर खाली अकेला एलेक्स ही समझ पाता है कि उसे कौन सी प्यास लगी है तो वो उसके पीछे पीछे किचन में पहुंच गया और वहीं पर उसकी प्यास को अपनी वाटर सप्लाई से फिल करने लगता है। दूसरी तरफ लेटेलिया और रिकी भी बाहर ही बैठे थे। फिल्म वीडियोस का असर भी धीरे धीरे उन पर होने लगता है और उसके छेद का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी तरफ खींचने लगा। पर इतने में ही बारिश हो गई जिस वजह से उन्हें घर के अंदर आना पड़ा। पर निकी के लिए ये तो और भी अच्छा था क्योंकि अंदर जब लेटेलिया अपने फ्रेंड जॉर्ज को इस तरह से बजती हुई देखती है तो उसको भी निकी की बंसी बजाने का मन करता है, इसीलिए वो वहीं पर उसकी बंसी निकाल करके उसे बजाने लग जाती है जिससे निकी को भी काफी मजा आ रहा था और फिर वो अपनी बंसी से ही उसके तबले बजा देता है। खैर अपनी बजवाने के बाद जब लेटेलिया वापस घर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे गैब्रियल दिखाई देता है। गैब्रियल को देखकर पता नहीं उससे क्या हुआ कि वहीं पर खड़े खड़े वो कच्ची गीली कर देती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि लेटेलिया गैब्रियल को पसंद करने लगी है। और वो जब जॉर्ज से मिलती है तो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज यार वो गैब्रियल से उसकी सेटिंग करवा दे। अब हमें क्या पता था कि उसकी फ्रेंड भी एक नंबर की दल्ली है क्योंकि वो उसी दिन उसे गैब्रियल के घर ले जाती है। पर गैब्रियल एक नंबर का मुठैल इंसान था तो वो लड़कियों से बात करने में काफी घबराता है और बस कोपचे में मुठिया ही पेलता रहता है। जब उसके घर लड़कियां आती हैं तो वो उनसे ढंग से बात ही नहीं कर पा रहा था। खैर उसी रात जॉर्ज एलेक्स को कॉल करती है और उससे पूछती है कि बाबू आजकल तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरी बिल्ली भी तुम्हें बहुत याद करती है और दिन रात उसके आंसू निकल रहे हैं। पर एलेक्स ने यहाँ पर उसे ज्ञान की मीठी गोली देते हुए कहा कि उसका बाबू भी उसे दिन रात याद करता है।
पर क्या करे, उसका फोन टूट गया था, इस वजह से वो बेचारा ऐसे ही दीवार पर फोटोज देख देख करके मुठिया पेल रहा है। पर कोई नहीं, उसका फोन बन गया है तो आज वो सरसों का तेल लगा कर रखे बाबू रात में वीडियो कॉल करेगा। पर जॉर्ज ने इस बात के लिए मना किया कि वीडियो कॉल में क्या ही होगा, तुम एक काम करो जाकर स्ट्रॉबेरी ले आना, आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगी। ये बात सुनकर एलेक्स भी अपने फ्रेंड निकी को कॉल कर देता है और रात में जब सभी बैठकर टीवी देख रहे थे तो निकी पानी पीने के लिए उठता है और उसे जाता देख जॉर्ज एक बार फिर से झाड़ियों का सांप पकड़ लेती है, जिसके बाद एक बार फिर से उसने रगड़कर मंजन किया और इस तरह से एक बार फिर से इनका रगड़न घुसलन कार्यक्रम हो जाता है। पर अगले दिन जॉर्ज ये बात समझ जाती है कि एलेक्स उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है और जब उसे जॉर्ज की लेनी होती है तभी उसे उसकी याद आती है। अगले दिन इनकी पार्टी एलेक्स के घर पर होती है तो यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे, पर इस बीच लेटेलिया को ठंडी लगने लगती है तो एलेक्स उसकी ठंडी दूर करने के लिए रुको जरा स्वेटर लेने गया है यार, तो वो उसकी ठंडी दूर करने के लिए उसको एक स्वेटर लाकर देता है। पर एलेक्स का प्लान उसे स्वेटर के साथ साथ कुछ और भी देने का था जिससे उसकी गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाती, पर इससे लेने में लेटेलिया काफी हेजिटेट कर रही होती है क्योंकि उसकी फ्रेंड जॉर्ज ऑलरेडी एलेक्स को पसंद करती थी तो ऐसे में वो उसकी वाटर सप्लाई अपने खेतों में कैसे डलवा सकती है। इस बात के लिए वो उसे मना करती है पर एलेक्स तो उसे जबरदस्ती पकड़कर रगड़ने लगता है। लेटेलिया को पहले से ही एलेक्स पसंद था और ऐसे में जब वो खुद ही उसकी गाड़ी की सर्विस कर रहा है तो वो इस बात के लिए उसे मना नहीं करती और अपनी सर्विसिंग करवा लेती है। पर सर्विसिंग के दौरान ही जॉर्ज ऊपर आ गई और उसे उसकी सर्विस करते हुए देख लेती है। ये देख उसे बहुत गुस्सा आया तो वो उन दोनों पर चिल्लाने लगती है, पर एलेक्स इस बार उसे सब सच सच बता देता है कि वो उसे घंटा पसंद नहीं करता है क्योंकि वो उसकी काली चाट चाट करके परेशान हो गया, उसके होंठ भी काले हो गए, अब उसे गुलाम भी चाहिए इसलिए वो उसे छोड़ना चाहता है। ये सुनकर जॉर्ज बेचारी बहुत दुखी हो जाती है, पर उसे लेटेलिया पर भी गुस्सा आ रहा था तो वो उससे बदला लेने के लिए निक्की की बंसी बजाने लग जाती है। निकी को भी उसे अपना मंजन करा करके बड़ा मजा आया, एक तरफ ये लड़कियां बदले ले रही है परंतु दूसरी तरफ ये लौंडे उनसे ही मजे ले रहे हैं। खैर जो भी हो, हुआ तो बुरा ही, पर इससे बुरा होता है अगली सीन में। हमें पता चलता है कि एलेक्स और निकी ने इनकी पीलम ठुकाई वाली वीडियोस को रिकॉर्ड कर लिया था और अभी अभी इन लोगों ने उसे इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया है। दूसरी तरफ जॉर्ज लेटेलिया और एलेक्स दोनों से ही नाराज थी क्योंकि एलेक्स ने उसे छोड़ दिया है और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया, इस वजह से वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो इनके साथ नहीं रहेगी। पर दूसरी तरफ एलेक्स और निकी तो रुक ही नहीं रहे थे, उनकी पार्टी अब हर रोज होने लगी थी, दिन में दो दो तीन तीन बार होने लगी थी। इस बीच वो अलग अलग लड़कियों को पकड़ते, उनके साथ झेलम झाली करते और फिर जो पेलम पिलाई की वीडियो बनती उसे ये लोग प्राइवेट ग्रुप्स में अपलोड कर दिया करते थे जिसमें इन्होंने प्रीमियम मेंबर्स रखे हुए थे जो इन्हें पैसे पे करते थे। कुछ लड़कों को इस बारे में पता तो चल जाता है परंतु इस चीज से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें तो खुद पार्टी में मिल रही थी और वो लोग बजाने में इतना खुश थे कि वो जानबूझ करके ये सब चीजें एक्सपोज नहीं करना चाहते, वरना उनको जो मिल रही है वो मिलनी भी बंद हो जाएगी। अब जॉर्ज ने तो उनकी पार्टी में आना बंद कर दिया है, पर दूसरी तरफ लेटेलिया गैब्रियल को बटाने में पूरी तरह से लगी हुई है ताकि एक बार तो कम से कम वो अपनी वाटर सप्लाई उसके खेतों में डाल ही दे। लेकिन गैब्रियल तो जैसे मानो जाकिर भैया का फैन ही बन गया हो, उसे बस मुठिया पेलने से मतलब है, वो किसी छेद वेद के लिए परेशान ही नहीं है। खैर अगले दिन एक बार फिर से एलेक्स के घर पर पार्टी थी लेकिन इस बार लेटेलिया गैब्रियल को भी इन्वाइट करती है और अपनी फ्रेंड जॉर्ज को भी इन्वाइट करती है। जॉर्ज उसके इन्विटेशन पर वहाँ आ जरूर गई पर वो लेटेरियल की बातों को सुन ही नहीं रही थी। लेटेलिया उससे कॉन्टिन्यूस माफी मांग रही है ताकि वो उसे माफ कर दे, परंतु जॉर्ज उस पर घंटा भाव इच्छ नहीं देती और वो सीधा पार्टी में पहुंच जाती है। पर पार्टी में उसने देखा कि एलेक्स किसी और लड़की को चटका रहा होता है, ये देखकर बेचारी जॉर्ज की जो थोड़ी फटी थी वो और फट जाती है, इससे उसका इतना दिल टूट जाता है कि वो तुरंत ही निकी के पास जाकर के सुट्टा फूकने लग जाती है। उसने इतना नशा कर लिया कि वो अब ऐसे ही किसी लौंडे को पकड़ करके उसे अपनी झील में उतार देती है। उस लड़के ने भी झील की ऐसी सर्विसिंग की कि इससे जॉर्ज को बड़ा मजा आता है और वो डिसाइड कर लेती है कि अब से जब भी पार्टी होगी नशे कर करके वो अलग अलग लौंडों को अपनी झील में उतार लिया करेगी जिसके बाद वो उनके चूहों से खेलेगी। ऐसे करते करते काफी पार्टीज निकलती जाती है और इस बीच तो जॉर्ज की लिमिट भी बढ़ती जा रही थी, कभी एक कभी दो कभी तीन कभी न जाने कितने कितने लौंडों को वो अपने साथ ले जाती और उनसे अपनी सर्विसिंग करवाती। इसी चलते एक दिन गैब्रियल भी इनकी एक पार्टी में आया हुआ था जिसे जॉर्ज पकड़ लेती है और जबरदस्ती उसे अपनी गुलामी खिलाने लगी। हालांकि पहले तो जॉर्ज मना करता है पर मैन विल बी मैन, गुलामी सामने पड़ी हो तो कितनी ही देर तक वो उसे मना कर पाता, जिसके बाद वो भी अपने चूहे से उसकी बिल्ली को खिलाने लग जाता है। कुछ देर तक चूहे बिल्ली की लड़ाई होती है और फिर जॉर्ज उसे छोड़ने के लिए उसके घर जाती है। इस बीच जॉर्ज की लेने के बाद गैब्रियल भी जॉर्ज को पसंद करने लगा है और अब से वो सारी मुठिया सिर्फ जॉर्ज के नाम की ही चलाता है।
काफी दिनों तक ऐसे चलता रहता है। जॉर्ज भी अलग अलग वाटर सप्लाई अपने खेतों में डलवाती रहती है, पर एक दिन कॉलेज का कोई ज्ञान का खोदा उन प्रीमियम प्राइवेट वीडियोस को पब्लिक कर देता है। इस वजह से पूरे कॉलेज के सभी लोगों ने वो वीडियोस देख ली। गैब्रियल को जब उन वीडियोस के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही जॉर्ज को कॉल करता है, पर जॉर्ज उसका फोन नहीं उठा रही थी। इससे गैब्रियल को समझ में आ गया कि ये देखकर उसकी भी फटी पड़ी है, तो वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है कि ऐसा ना हो वो ऐसे में कुछ कांड वांड ना कर दे। वो उसके घर जाकर के उसे ज्ञान की गोलियां देता है, उसे समझाता है, और फिर गैब्रियल ढूंढने लगा कि आखिरकार किसने ये वीडियोस अपलोड की थी। तभी अगले ही दिन उसे एक लड़का मिलता है जिसने ये वीडियोस पब्लिक की थी। वो उसके पास जाकर के उसे वार्न करता है कि अगर उसने ये वीडियोस अभी डिलीट नहीं की तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, वो भी गैब्रियल के। गैब्रियल का लेना पड़ेगा ये सुनकर ही उसकी फट जाती है और वो तुरंत ही उन वीडियोस को डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ जॉर्ज को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश होती है। उसने डिसाइड किया कि गैब्रियल ने इतना अच्छा काम किया है तो आज रात उसको एक बार देनी तो बनती है। पर तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा और वो गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसने इतने लड़ों के साथ पेलम ठुकाई की है कि अब उसे बीमारी हो गई है। बीमारी का नाम सुनकर के जॉर्ज की फट के 464 हो जाती है, पर डॉक्टर ने उसे समझाया कि तुम सही समय पर आ गई हो, बीमारी अभी बहुत छोटी सी स्टेज में तो उसे सही किया जा सकता है, लेकिन आज के बाद अगर किसी का भी बम्बू तुमने अपने तंबू में लिया तो इसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, इसलिए ध्यान रखना कि किसी का भी हॉट डॉग तुम्हारे डोनट में ना जाए। पर एक तरफ अगर जॉर्ज को ये बीमारी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि दूसरी तरफ पेलने वाले को भी ये बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पूरे स्कूल का चेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि जॉर्ज ने न जाने कितने कितने लौंडों से पिलवाया था, उसे खुद भी नहीं याद था, तो पूरे स्कूल का चेकअप किया जाता है। इस बीच जॉर्ज के पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि उसे क्या बीमारी है और वो कैसे हुई है। इस पर जॉर्ज के कच्चे बादाम अच्छे से तोड़े जाते हैं और उसकी मॉम उसे हॉस्टल भेजने लगती है, पर शायद इन्हें नहीं पता कि इतिहास गवाह है, लोग एक पल के लिए नॉर्मल स्कूल में ना बिगड़े पर हॉस्टल में गारंटीड बिगड़ जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। खैर, आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो उसकी मॉम उसे हॉस्टल भेजी रही थी तो जॉर्ज उनके पैर पकड़ने लग जाती है, जिस पर उसकी मॉम ने भी सोचा कि चलो ठीक है एक बार हो गया जाने दो, पर अगली बार वो ध्यान रखेगी। इसके बाद सीन स्विच होता है कुछ महीनों के बाद और अब चल रही है समर वेकेशन। एक तरफ सभी स्टूडेंट्स अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इधर उधर गए होते हैं, पर दूसरी तरफ एलेक्स की मॉम उसे लंदन ले आती है क्योंकि अपने घर में वो पार्टियां करता था और बिटिया पीला करता था, इस वजह से उसे यहां पर लाना पड़ा है। दूसरी तरफ लेटेलिया के डैड भी उसे दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं, पर जॉर्ज और गैब्रियल अभी भी साथ में है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो भी नीचे कमेंट करके